उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर। नमस्कार, उल्लास लाइन बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। उल्हासनगर शहरातील बहुचर्चित वडोलगाव पुलाचा उच्च न्यायालयाने 31 डिसेंबर पर्यंत डेडलाइन दिली आहे। दरम्यान पुलाचे 5% काम बाकी असून वाहनासाठी पूल तात्पुरता खुला केला आहे। उल्हासनगर आणि वडोलगाव यांच्या मधून वालधुनी नदी जाते। नदीवर पूल 2 वर्षापूर्वी कोसळल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली होती। गावकऱ्यांसाठी नदीवर बांधण्यात आलेला सिमेंट पाईपचा पूल पुरात वाहून गेला, तर पुलाचे काम निकृष्ट असल्याचे आरोप प्रत्यारोप झाल्याने पुलाचे काम वादात सापडले होते। या कामाला दिरंगाई होत असल्याचा आरोप स्थानिक नगरसेविका सविता तोरणे, समाजसेवक शिवाजी रगडे यांनी बेमुदत उपोषणही केले, तसेच उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती। तेव्हा पालिकेला 15 डिसेंबर पर्यंत डेडलाइन देण्यात आली होती, मात्र तोवर काम पूर्ण न झाल्याने नगरसेविका तोरणे यांनी सोमवारी न्यायालयात बाजू मांडल्यावर आता 31 डिसेंबर पर्यंत नवीन डेडलाइन ठेकेदाराला दिली आहे। सितंबर 2016 में ये पुल की दुर्घटना हुई थी और ये पुल यहाँ से कोलैप्स हुआ था। उसके बाद से लगातार करीबन 3 साल हुए हैं ये पुल का निर्माण शुरू ही था। जब से मेरी बहन सविता तोरणे रगड़े ये इस पैनल से चुनकर आई है, तब से लगातार हम इस पुल के लिए फॉलोअप कर रहे थे उल्हासनगर मनपा से, लेकिन कोई पॉजिटिव उसका आउटपुट नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने कई आंदोलन किए, हमने अमरण उपोषण तक किया, उसके बावजूद भी ये प्रशासन और ठेकेदार पर इसका कोई असर खास तौर पर नज़र नहीं आ रहा था। महासभा में काफ़ी हंगामा कई बार हमने किया, आखिरकार हमने मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर वडलगांव वासी और स्कूल में पढ़ने वाले हज़ारों बच्चों की जो तकलीफ है इसके लिए न्याय मांगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय मुंबई उच्च न्यायालय का कि उनके आदेश पर कड़ी कार्रवाई हुई और 15 दिसंबर तक का समय ये पुल के निर्माण के लिए दिया गया था। आपको बताना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी प्रशासन या ठेकेदार पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब महापौर हमारी पंचम ओमी कलानी जी वहाँ पर चुनी गई और उसके बाद जो नए आयुक्त आए अच्युत हंगे जी, उन्होंने काफ़ी सकारात्मक पहल इसमें की और संदीप यादव जो जेई है उनका भी इसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। इन लोगों ने फिर इस चीज़ को गंभीरता से लेकर ये पुल का निर्माण दिसंबर में तेज़ी से बढ़ा और आप देख रहे हैं कि 95% इस पुल का काम हुआ है। हम इसे काफ़ी खुश है कि कम से कम जो 17 तारीख को हियरिंग हुई उसके पहले टेम्पररी बेस पर क्यों ना हो, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि यहाँ की गाड़ियाँ आने जाना शुरू हुई। काफ़ी लोगों के कल फ़ोन आए, मैसेज ऐसा है कि भाई 3 साल के बाद हम इस पुल के ऊपर से हमारी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो काफ़ी लोग आनंदित है। और हमने कल भी मुंबई उच्च न्यायालय में ये बताया कि हमारे एडवोकेट ने कि अभी भी जो 5% काम बचा है, तो उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा और नए साल 2019 में 1 तारीख को ये पुल पूरी तरह से, मतलब बड़ी ट्रक भी यहाँ से आना जाना करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम शुरू हो जाएगा। दूसरा हमारा ये जितनी हमें खुशी है इस पुल के निर्माण की, उतनी ही चिंता ही भी है। चिंता ये है कि उन्होंने दिसंबर में आनन फानन में ये काम शुरू किया और काफ़ी गति से काम लिया है, तो उसके क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो ये भी हमने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में बताया है। तो उन्होंने क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा ऐसा कमिटमेंट दिया है और हमने आयुक्त साहब से भी मांग की है कि आप इसका क्वालिटी चेक कराएं और आपकी जो भी अथॉरिटी है उससे हमें पत्र दिलाए कि ये गाड़ियाँ और सभी लोगों को आने जाने के लिए ये पुल योग्य है। और जो आगे के जो घर और दुकान है उसका क्या? जितना पुल बना है उतना तो कम से कम रोड होना ही चाहिए। अगर हमने करीबन 4.25 करोड़ रुपये इस पुल के लिए खर्चा किया है तो फिर आगे का जो छोटा रोड है वो बड़ा होना चाहिए, ऐसी मांग हमने कमिश्नर साहब ने की है और कमिश्नर साहब ने भी इस पर काफ़ी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। हो, आता कालपासून बघतो आहे मी का जाण्यानं सुरू झालेलं आहे। 2-2.5 वर्षापासून म्हणजे खूप त्रास होत होता, पूर्ण फिरून जावं लागत होतं, त्यामध्ये टाईम वेस्ट होत होता। आता कसं एकदम टायमावर निघतो आम्ही, नाही तर अगोदर टायमच्या अगोदर निघावं लागत होतं, त्यामुळे खूप त्रास होत होता। आणि आत्ता म्हणजे कसं खूप आनंद वाढतो का पूल सुरू झालेलं आहे आणि ते सर्वश्रेय म्हणजे शिवाजी दादांचं आणि सविताताई नगरसेविका सविताताई तोरणे यांचं, कारण यांनी खूप प्रयत्न केले। अगोदर त्यांनी अर्ज वगैरे केले, त्याला प्रतिसाद नाही भेटला म्हणून त्यांनी उपोषण केले,
उपोषणाच्या नंतर तिथं न थांबता त्यांनी कोर्टामध्ये अर्ज केला आणि कसं वाटतं आता? आता खूपच छान वाटतं कारण माझा टाईम वाचतोय. आता बघा मला हे 11:30 टायमिंग होता माझा आता क्लासला जायचा, तर आता मी बरोबर 11:30 निघलो कारण 5 मिनिटाचा रस्ता आहे जरा, तर तिथून एवढा अर्धा मला लागायचं पोहोचायला. पण आता म्हणजे कसं खूपच छान आहे, आता एकदम चांगले वाटते कारण की आम्हाला इथून वडलगावपासून एकदम फिरून जावं लागत होतं, त्यामुळे आता हा ब्रिज चालू केल्यामुळे आम्हाला खूप चांगलं वाटते. आम्ही आता आम्हाला असे फिरून जायला कमीत कमी 1 ते 1.5 किलोमीटर लागायचं, पण आता पोरं व्यवस्थित सोडते आम्ही, परत पेरेंट्स लोकांना पण एकदम चांगलं वाटते. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.